भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी सोमवार सुबह दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचे। राहुल के पूर्व पीएम की समाधि पर पहुंचने के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोल दिया है। भाजपा ने कहा है कि अगर कांग्रेस वाकई अटल जी का सम्मान करती है तो उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले गौरव गांधी को कांग्रेस से निकाले, साथ ही उनके बयान के लिए माफी भी मांगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा मुफ्त राशन अगले साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार की इस योजना को भाजपा अगले साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से जुड़े मध्य प्रदेश के 140 नर्सिंग कॉलेजों के 15 से ज्यादा कोर्स की 2020-21 की संबद्धता अमान्य हो गई है। इससे 8 से 10 हजार छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में अटक गया है। इन कॉलेजों ने मान्यता की शर्तें पूरी नहीं की थी। 28 साल के प्रांशु कांठेर अमेरिका की कंपनी में 25 करोड़ के पैकेज पर डेटा साइंटिस्ट थे। अचानक सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। 1.5 साल पहले नौकरी छोड़ देवास आ गए। आज यानी सोमवार को जैन संत बनेंगे। उन्हें प्रवर्तक जिनेंद्र मुनि जी दीक्षा देंगे। ये कहानी है 14 साल की एक लड़की की। बचपन से ही घुट घुट कर जी रही है। छोटी सी उम्र में पिता का साया उठ गया, माँ छोड़कर चली गई। जब बड़ी होने लगी तो उसके सगे चाचा ही पॉर्न वीडियो दिखाकर गंदी हरकतें करने लगे। लड़की का दर्द तब बाहर आया जब चाइल्डलाइन की टीम स्कूल पहुंची। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित पश्चिम रेलवे के नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार को सिग्नल फेल हो गए, जिस कारण 3 से 4 यात्री ट्रेन प्रभावित हुई। इनमें 3 ट्रेन घंटों तक जंगल में खड़ी रही। ठंड के दिनों में गाड़ी जंगल में खड़ी रहने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों से आई सीधी बर्फीली हवा के कारण मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। भोपाल समेत कई शहर शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार नए साल की शुरुआत में उत्तर के पहाड़ी राज्यों से लेकर पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा रह सकता है। इस बार BCCI IPL का 16वां सीजन 74 दिन का आयोजित नहीं करा सकेगा। BCCI ने अभी तक IPL की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये T20 लीग 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मुताबिक रिलीज के पहले ही फिल्म के OTT राइट्स तकरीबन 100 करोड़ में बिक गए। रिपोर्ट्स के अनुसार Amazon Prime ने फिल्म के OTT राइट्स को भारी भरकम कीमत पर खरीद लिया है। अवतार द वे ऑफ वाटर ने रिलीज के दूसरे शनिवार को 20 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 224 करोड़ हो गया है। इसकी कमाई की रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो ये जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।